हेलो गाइस, तो मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर रॉक्सेना को देख पाते हैं, जो अपने पापा के साथ बचपन में सर्व करती थी। पर अब वो बड़ी हो चुकी है तो वो अब उनके साथ सर्व नहीं करती। जब भी वो पानी में जाती है तब भी वो उनको याद करती है। अब कॉलेज में रॉक्सेना डाइविंग के बारे में सीख रही थी। वहाँ पे एक पोस्टर दिखता है और उसमें डाइविंग के बारे में लिखा हुआ होता है और वो बिल्कुल फ्री होता है। जब वो घर पे आती है तो उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, कहती है कि तुमने पूरा रूटीन बिगाड़ा हुआ है। एक्चुअली रॉक्सेना ने एक बार सुसाइड किया था उसके पापा की डेथ के बाद, तो इसीलिए उसकी माँ उसे थेरेपिस्ट के पास भेजती रहती है, जो वो जाती नहीं, वो उसको अवॉइड करती है। तो इसी वजह से उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है। रॉक्सेना उसकी माँ से कहती है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं और मैं नहीं जाऊँगी। इस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। अगले ही दिन रॉक्सेना उस डाइविंग का क्लास के तरफ चली जाती है ट्रेन पकड़ के। रॉक्सेना ने घर छोड़ते वक्त ऐसा कहा था उसकी माँ से कि मैं कुछ दिन के लिए अपने फ्रेंड के साथ रहने जा रही हूँ। हालांकि उसके पास होटल के भी पैसे नहीं थे, वही सी साइड के तरफ सो जाती है। फ्री वाला डाइविंग क्लास जिसने अरेंज किया था उस लड़के का नाम था टॉम। वो उसे देखता है और कहता है कि ये कोई सोने की जगह नहीं है। टॉम रॉक्सेना से कहता है कि मुझे पता है एक यहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे तुम रह सकती हो। तभी रॉक्सेना उससे कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे वगैरह नहीं है, क्योंकि आते वक्त ही मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो स्पेंड कर दिए हैं। टॉम को रॉक्सेना देखते देखते ही पसंद आ गई थी। अगले दिन क्लास शुरू होती है और वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है, डाइविंग इंस्पेक्टर, उसका नाम होता है लॉरेन, और वो सबको सिखा रहा होता है कि जब भी तुम फ्री की डाइविंग कर रहे हो तो वहाँ पे पीस होना बहुत ज़रूरी होता है। डाइवर्स को बता रहे थे कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, बहुत डेंजरस हो सकता है। अपना फियर, एंगर और डिप्रेशन सबको हटा के आपको डाइविंग करनी है, ऐसे सब इंस्ट्रक्शंस वो बता रहा था। वहाँ पे सभी को ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है। टॉम रॉक्सेना को स्पेशली ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है। तभी वहाँ एक वर्ल्ड चैम्पियन आ जाता है जिसका नाम होता है पास्कर, और वो भी सबको यही सजेशन देता है कि अगर तुमने फियर पर काबू कर लिया अपने तो तुम्हें सक्सेस मिल सकती है। उसके बाद पास्कर डाइव करता है और बहुत ही डीप डाइव करता है। वो रॉक्सेना देखती है और रॉक्सेना एकदम वंडर रह जाती है कि ये इतना डीप डाइव कैसे कर सकता है। तभी टॉम उससे कहता है कि ये कितना भी पेन सह सकता है, वही उसकी एक स्पेशलिटी है। अगले सीन में टॉम रॉक्सेना को उस हॉस्टल के बारे में बताता है और वो आज रात सभी लोग हैंग आउट करने वाले थे साथ में, तो रात में पार्टी होती है और टॉम रॉक्सेना को इनवाइट करता है। रॉक्सेना बड़ी तैयार होके उस पार्टी में जाती है। पास्कर उसको देखता ही रहता है। दिन भर के क्लास में पास्कर ने रॉक्सेना को नोटिस ही नहीं किया था, एक्चुअल में वो अभी नोटिस करता है और रॉक्सेना को भी पास्कर अच्छा लगने लगता है और वो दोनों भी एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली देखते रह जाते हैं। और रॉक्सेना वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाती है तो पास्कर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और दोनों एकदम से किस करने लग जाते हैं। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है वो टेबल पे बैठे हुए सभी लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद टॉम थोड़ा अच्छा फील नहीं करता, पर उसके बाद पास्कल की भी गर्लफ्रेंड वहाँ से उठकर चली जाती है, उसको बुरा लगता है। अगले दिन पास्कर रॉक्सेना को अपने बोट में बिठा के लेके जाता है और उसको एक जगह दिखाता है। वो दोनों साथ में डाइव करते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने को। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी डाइव करते हो, तो अगले दिन वो उसे अपने प्रैक्टिस पे लेके आता है। वहाँ पे लॉरेन जो इंस्पेक्टर करता था डाइव को, वो उस टीम में होता है। उसे रॉक्सेना को देख के वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो कहता है कि रॉक्सेना यहाँ पे न्यू है तो उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तभी रॉक्सेना लॉरेन से कहती है कि ये तो रूटीन डाइव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकती। पर लॉरेन उससे कहता है कि आज जो पास्कर करने वाला है वो डेंजरस होने वाला है, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी करने वाला है। इस हिसाब से वो 1082 मीटर अंदर तक पानी के नीचे डाइव करने वाला था। वो बहुत ही डीप डाइव थी, तो बहुत ही डेंजरस किस्म की है जिसमें वो वायर के थ्रू नीचे पहुंचने वाला था। इसीलिए पास्कर की पूरी टीम, इसीलिए वहाँ पे सब लोग मौजूद थे और तैयार थे। तो वो वैसे ही वायर के थ्रू नीचे जाता है और वो ऊपर भी सक्सेसफुली आ जाता है। उसने वो अनऑफिशियली रिकॉर्ड तोड़ दिया था, पर ये ऑफिशियल होने का था। अभी डाइव करते वक्त जो लोग उसे चेज कर रहे थे वो सभी लोग ऊपर आ जाते हैं,
पर एक आदमी ऊपर नहीं आता। उसे बचाने के लिए पास्कर उसके फिर से डीप डाइव करता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि उस आदमी को पानी के नीचे ही स्ट्रोक आ गया था। ऊपर आने के बाद रॉक्सेना उसे बहुत बचाने की कोशिश करती है, पर उसकी डेथ हो जाती है। बाद में किनारे के पास पुलिस के साथ बात करते वक्त पास्कर और लॉरेन बात करते हैं। लॉरेन उससे कहता है कि वो आदमी रेडी नहीं था, फिर भी उसे भेजा गया। वो पास्कर को रिस्पॉन्सिबल कर रहा था, ब्लेम कर रहा था इस पूरे एक्सीडेंट के लिए। पास्कर कहता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, अगर वो रेडी नहीं था, तुम्हें पता था तो तुमने भेजना नहीं चाहिए था। तो ये एक्सीडेंट है, ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया, ऐसा वो वहाँ पे कहता है। उस आदमी के मौत पर सब लोग शोक मनाते हैं, सब वहाँ पे मीटिंग रखते हैं। पास्कर कहता है कि हमारे गोल को पूरा करने के लिए उस आदमी ने डाइव की, वो बहुत ही पैशनेट था और उसके इस सैक्रिफाइस को हम वेस्ट नहीं होने देंगे। उस आदमी के जगह पर दूसरा डाइवर उन्हें मिल जाता है, पर अब उन्हें सरफेस का डाइवर चाहिए था। तो रॉक्सेना उसे कहती है कि मैं एक सरफेस डाइवर अच्छी बन सकती हूँ। लॉरेन को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो कहता है कि ये अभी न्यू है और हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे नहीं दे सकते। पर यहाँ पे टॉम यहाँ पर बोलता है कि रॉक्सेना बाकी डाइवर से अच्छी डाइवर है, और वैसे भी उसे मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बहुत कुछ पता है, तो वो एक अच्छी डाइवर बन सकती है। तो इसी वजह से टॉम उसकी साइड ले लेता है और रॉक्सेना उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। अब पास्कर को ऐसा लगता है कि रॉक्सेना उसकी वजह से उसकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वो कॉलेज भी नहीं जा रही थी। तो रॉक्सेना पास्कर से कहती है कि मैं अब कॉलेज नहीं जाना चाहती और तुम्हारे ही टीम में रहकर काम करना चाहती हूँ। अब रॉक्सेना को पास्कर ट्रेनिंग देने लगता है। जब भी कोई डाइवर नीचे से ऊपर आता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं, ऐसे डाइवर को पूछा जाता है। अगर उसने नहीं कहा तो उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी दी जाती है। ऐसी बहुत तरह की ट्रेनिंग पास्कर ने रॉक्सेना को दी थी। अब रिकॉर्ड तोड़ने का दिन आ चुका होता है और उस दिन सब कुछ नॉर्मल होता है। पास्कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है डीप डाइव करके, और वैसे भी रॉक्सेना और पास्कर की रिलेशनशिप भी अच्छी चल रही होती है। अगले सीन में रॉक्सेना उसकी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ उससे पूछ रही होती है कि तुम क्यों वहाँ पे रुकी हुई हो। वहाँ पे रॉक्सेना उसकी माँ से कहती है कि अब मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ, अब यहीं मैं रहने वाली हूँ, क्योंकि उसकी माँ को लग रहा था कि उसने उसके करियर को पीछे छोड़ दिया है एक इंसान की वजह से। तो रॉक्सेना से वो पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। रॉक्सेना ऐसा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ। रिकॉर्ड बनाने की खुशी में सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सब लोग मिलके हैंग आउट कर रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है, एक न्यूज़ आती है कि उनका रिकॉर्ड किसी ने तो भी 2 मीटर ज़्यादा करके तोड़ दिया है। तो पास्कर कहता है कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम फिर से रिकॉर्ड बना लेंगे। नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी के लिए पास्कर डीप डाइव करने जाता है, तभी वो एकदम हालत उसकी ख़राब हो जाती है और वो दोनों रॉक्सेना और पास्कर डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि ये सब तुम्हें कब से हो रहा था, क्योंकि वो बीच में ही डाइव करते करते ब्लैकआउट होके बेहोश हो गया था। तो पास्कर डॉक्टर से कहता है कि ऐसा बीच बीच में होता रहा है। तो डॉक्टर उसे मशवरा देते हैं कि तुमने डीप डाइव फ्री की डाइव नहीं करनी चाहिए। बाहर आते ही पास्कर रॉक्सेना से कहता है कि डॉक्टर का तो काम ही होता है डराना, पर हमने डरना नहीं है। रॉक्सेना को वो ट्रेनिंग देने लगता है न्यू रिकॉर्ड बनाने के लिए। रॉक्सेना भी वुमेंस डाइवर में से गेम में हिस्सा लेती है और रॉक्सेना एक न्यू रिकॉर्ड बना देती है जो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। सभी टीम के मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। रॉक्सेना को पास्कर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और रॉक्सेना की माँ भी वहाँ पे मौजूद होती है। रॉक्सेना की माँ पास्कर से बात कर रही होती है, तभी रॉक्सेना उसके पास जाती है और गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी भी बात के लिए उसकी माँ ने रॉक्सेना को कभी भी अप्रूव नहीं किया था। तो रॉक्सेना से पूछती है कि ये तुम जो कर रही हो, तुमने बहुत अमेजिंग किया और न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पर ये तुम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकती। वो पास्कर से कहती है कि रॉक्सेना ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि उसने उसका एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, उसने यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वो रॉक्सेना को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। वही अगले सीन में रात को रॉक्सेना सोई हुई होती है, पर पास्कर बेड पे नहीं होता है। जब वो जाके देखती है तो पास्कर चेयर पे बैठा हुआ कुछ तो भी थिंक कर रहा होता है। वो कुछ तो भी वरीड लगता है, पर वो कोई भी बात रॉक्सेना को बताता नहीं। अगले दिन कंपटीशन का दिन होता है। वहाँ एक अमेरिकन डाइवर आई हुई होती है जिसने प्रैक्टिस में ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है और वो न्यू रिकॉर्ड बनाने जा रही होती है।
वहाँ पे पास्कर जाता है और जजेस से बोलता है कि मुझे भी डाइव करनी है, पर जजेस उसकी हालत को देख के उसे परमिशन नहीं करते हैं, उसे अलाउ ही नहीं करते हैं डाइव करने के लिए। पास्कर उस जज के साथ कुछ बोलता है और उनकी अनबन हो जाती है, तो वहाँ से पास्कर चला जाता है। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे विनर्स लोगों को मेडल्स दिए जाते हैं, वहाँ पे रॉक्सेना को भी मेडल दिया जाता है। उस प्रेस मीटिंग में वहाँ पे अमेरिकन डाइवर भी होती है, उसे भी मेडल मिलता है और उसकी तारीफें की जाती है। पास्कर को ये देखा नहीं जाता क्योंकि उसका रिकॉर्ड उस लड़की ने तोड़ा था, तो वो वहाँ से चला जाता है। रॉक्सेना को मेडल मिलता है और वो यहाँ वहाँ देखती है तो पास्कर वहाँ नहीं होता है। पार्टी के बाद, मीटिंग के बाद, जब रॉक्सेना बाहर आती है तब पास्कर उसके पीछे पीछे जाता है और रॉक्सेना उससे बहुत गुस्सा होती है। रॉक्सेना पास्कर से कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत थी और तुम ही वहाँ पे नहीं थे। रॉक्सेना को पास्कर समझाता है कि उस लड़की ने मेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया है तो मैं वहाँ पे कैसे बैठ सकता था। उस पर रॉक्सेना कहती है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पास्कर कहता है कि मैं कभी भी हारा नहीं हूँ, और वो कहती है उससे कि तुम मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो अनफेयर है। तो रॉक्सेना से पास्कर कहता है कि अनफेयर क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब मैं 5 साल का था तभी मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए थे और मेरी माँ ने हमें अकेला संभाला है, और हमें संभालते हुए वो थक गई थी, फाइनली हमें वो छोड़ के चली गई। उसके बाद मैं वर्ड से कभी नहीं हारा हूँ और यह मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी वो उससे कहता है कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। रॉक्सेना पास्कर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, पर वो कहता है कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। रॉक्सेना उसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसके बाद वो किसी कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं तो रॉक्सेना को पता चलता है उसके फ्रेंड की तरफ से, पास्कर की फ्रेंड की तरफ से, कि पास्कर ने किसी दूसरे टाउन में वो चला गया है कॉम्पिटिशन के लिए। तभी रॉक्सेना अपने प्रैक्टिस के दौरान लॉरेंस से कुछ ट्रेनिंग ले रही होती है। वो ये ट्रेनिंग ले रही होती है कि पानी में काम कैसे रहा जाता है, पर वो पास्कर की वजह से फोकस नहीं कर पाती। लॉरेंस उससे कहता है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम में नेचुरली टैलेंट बहुत है और तुम सक्सेसफुल हो सकती हो, तो तुम्हें लॉरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पास्कर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉरेंस की ये बातें सुनकर रॉक्सेना को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो वाटर में काम हो पाती है। उसके बाद रॉक्सेना का कहीं तो भी इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर उससे बहुत ही अच्छे तरीके से और पोलाइटली बातें कर रहा होता है, क्वेश्चंस पूछ रहा होता है स्माइल करके, तो रॉक्सेना को बहुत अच्छा लगता है। वो भी उसे स्माइल करके आंसर देती है। दूर से पास्कर खड़ा हुआ उसको देख रहा होता है। पास्कर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और जब वो दोनों मिलते हैं तब पास्कर उससे कहता है कि कोई भी इंसान तुम्हें स्माइल दे के बात करे तो तुमने रिस्पांस देना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पास्कर थोड़ा जेलस फील करता है। उसके बाद पास्कर एक मीटिंग बुलाता है जहाँ पे सभी टीम मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो कहता है कि मेरी हालत अब नहीं है जो मैं नया रिकॉर्ड बना पाऊँगा, पर अब मेरी जगह रॉक्सेना डीप डाइव करेगी और न्यू रिकॉर्ड बनाएगी। इस बात को सुनकर टॉम उससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि ये अभी न्यू ही है और ये न्यू रिकॉर्ड नहीं बना सकती, ये बहुत रिस्की होगा रॉक्सेना के लिए। लॉरेंस भी उस पर परमिशन नहीं देता। लॉरेंस और टॉम वहाँ से उठने लगते हैं। तभी पास्कर उनसे झगड़ने लग जाता है। रॉक्सेना ये बात सुन के सब पे गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे क्या करना है इसका फैसला मैं लूँगी, तुम लोग कौन होते हो डिसीजन लेने वाले। उसके बाद रॉक्सेना और पास्कर रात पे डिनर कर रहे होते हैं। डाइनिंग टेबल पर रॉक्सेना को पास्कर उसके अंकल की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि इन्होंने मुझे फ्री डाइविंग सिखाई थी। तभी रॉक्सेना कहती है कि मैं भी अपने पापा के साथ डाइविंग करती थी, उन्होंने मुझे सिखाया, पर जब मैं 12 साल की थी तब उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो कहती है कि मेरे पापा ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, ना ही किसी थेरेपिस्ट के पास गए थे, पर उनके ऐसे अचानक चले जाने से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। पर वो कहती है कि रॉक्सेना ऐसा कहती है कि अगर तुम मेरे साथ हो, मतलब पास्कर से कहती है कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती है। उसके बाद वो दोनों समय बिताते हैं। पास्कर रॉक्सेना से कहता है कि तुम्हारे पास एक नेचुरली टैलेंट है जो कि एक स्पोर्ट्स के रूप में मिला है, तुम्हें वो छोड़ के भागना नहीं चाहिए, ऐसा कहता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर रॉक्सेना अचानक से सैड हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि पास्कर का कहीं तो भी अफेयर चल रहा है। उसके बाद वो पब में चली जाती है और वो ड्रिंक करने लगती है। वहीं पर टॉम आता है और
वो टॉम से एकदम नशे की हालत में कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पहले पसंद करते थे, पर मैंने पास्कर को चुना। किस करने लग जाती है, पर टॉम कहता है कि तुम अभी नशे में हो, हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन वो कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस कर रहे थे और रॉक्सेना ने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मतलब बहुत ही खुश थे। पास्कर को लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, इसलिए पास्कर भी डीप डाइव करता है और वो वहाँ पे जाके ब्लैकआउट हो जाता है। फिर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। रॉक्सेना पास्कर से कहती है कि हम इन सभी चीज़ों से बहुत दूर जा सकते हैं। पास्कर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हार्ड टाइम में मैं उससे भागना नहीं चाहता, मैं उसको फेस करना जानता हूँ और अगले 5 दिनों में कॉम्पिटिशन है, तो तुम्हें तैयार होना होगा कम्पीट करने के लिए। रात में रॉक्सेना जब घर पे आती है तब पास्कर बहुत ही अच्छे से किसी से तो भी बात कर रहा था। तो रॉक्सेना उसे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। पास्कर कहता है कि तुम्हें ये जानना ज़रूरी नहीं है। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसका पीछा करते करते रॉक्सेना भी उसके पीछे पीछे आती है। वो उसे देखती है कि वो किसी से, मतलब कोई लड़की है और उससे मिल रहा है और वो किस कर रहे थे। तो ये देखकर रॉक्सेना बहुत ही गुस्सा और रोने लग जाती है। वो टॉम के पास आती है और कहती है कि मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो चीट कर रहा है। और रॉक्सेना टॉम को किस करने लग जाती है और वो कहती है कि मैं आज नशे में नहीं हूँ। उसके बाद वो रात भर घर पर नहीं आती। सुबह वो घर पर जाती है तो पास्कर उससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी। रॉक्सेना अपने कपड़े पैक करने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है। पास्कर उससे बहुत रोकना चाहता है और कहता है कि मैंने ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं किया, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और रॉक्सेना उसकी कोई भी बात नहीं मानती। वो गुस्से में शीशा फोड़ देता है और उसके हाथ में चोटें आ जाती है। रॉक्सेना उसे ठीक करने के लिए रुक जाती है। अगले दिन कॉम्पिटिशन के दौरान टॉम पास्कर को देखता है। पास्कर सब जानता है पर वो टॉम से कहता है कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी बीच में नहीं आएगी। अब कंपटीशन का समय आ चुका होता है। रॉक्सेना यहाँ डीप डाइव करने लगती है, नीचे नीचे जाती है और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन कम होने लग जाती है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगती है। तभी उसकी सांस अटकना शुरू हो जाती है। बाकी के टीम मेंबर्स उसको बहुत बचाने की कोशिश करते हैं पर वो 6 से 7 मिनट तक वहाँ पे अटक जाती है। जब उसे ऊपर निकाला जाता है तब तक उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस बुलाई जाती है और सब लोग टॉम को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुमने ही ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरा होगा। पर टॉम उनसे कहता है कि नहीं, मैंने सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा हुआ था। फिर भी पुलिस कहती है कि फिर सिलेंडर में से ऑक्सीजन ख़त्म कैसे हो सकता है पानी के अंदर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम उस कंट्री को छोड़ के जा रहा होता है और वहाँ पे पास्कर उसे देख रहा होता है। पास्कर को पता होता है कि टॉम ने जानबूझकर उस सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरा। तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे और भी वीडियोस आते रहते हैं, प्लीज़ उनको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ज़रूर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।